नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश, आपका स्वागत है दीक्षा रिसेंट यूट्यूब चैनल पर। देखो, हम लोग जो सीरीज़ चला रहे हैं, हाँ, जिसमें इंस्पिरेशन स्टोरीज़ की, जहाँ पे बहुत सारे वीडियोस आप ज़रूर देख सकते हो, जहाँ अपलोड किया गया है सभी के ऊपर, सक्सेस स्टोरीज़ के ऊपर। तो देखो, सिर्फ मोटिव इसके बिहाइंड में एक ही है, अगर आप इससे थोड़ा सा इंस्पायर्ड होकर, मोटिवेट होकर जो है अपना प्रिपरेशन अच्छा करें, कभी गिव अप ना करें। मुझे एक ही है, आप जब आते हो, एक ड्रीम देखते हो, तो सपना होता है कुछ कर गुजरने का, तो उसमें कहीं ना कहीं आपका जब फेलियर्स आप देख हो, जब आपका नहीं हो पाता, कभी बहुत छोटे छोटे मार्क्स के कारण आप छूट जाता है फाइनल सिलेक्शन, तो बहुत डिसहार्टेंड हो जाते हो। तो मुझे सिर्फ एक ही काम करना है, जहाँ पे मैं सिर्फ एक पॉजिटिव, देखो मेरा हमेशा, मैं खुद बहुत पॉजिटिव हूँ और मैं सबको चाहता हूँ आप पॉजिटिविटी रखें, सो दैट आपका कभी भी आप इस प्रोफेशन से, अगर आप हार्डवर्क करके जो है आप कभी यहाँ से ना लौटे, आप जॉब लेके ही जो है यहाँ से जाएँ, तो मेरा हमेशा यही रहता है। तो आज फिर हम लोग एक स्टोरी के साथ आए हैं, जो है साइंतिका मोंडोल जो है वेस्ट बंगाल से हैं, उन्होंने मुझे ये भेजा है उन्होंने स्टोरी, तो मैं बहुत ही आभारी हूँ क्योंकि आप लोग शेयर कर रहे हैं और आपके माध्यम से पूरे जो हमारे जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम प्रिपेयर करते हैं, सभी इससे बेनिफिट होते हैं, उनसे कुछ सीख पाते हैं, उनसे एटलीस्ट इंस्पायर्ड होकर, हाँ मैं भी कर सकता हूँ, वाई नॉट, अब इफ़ दे कैन, अगर वो कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ, तो एक इंस्पिरेशन ज़रूर मिलता है। तो सभी को शुक्रिया जो भी मेरे साथ शेयर करते हैं, और सभी से आपसे भी रिक्वेस्ट है, अगर आपकी कोई स्टोरी हो, भले कुछ भी हो, मैं ज़रूर इसको जो है इंक्लूड करूँगा। आप मुझे, हाँ, मेरे कम्युनिटी टैब में लिख सकते हैं, नहीं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेलीग्राम में भेज सकते हैं, तो ज़रूर अपना स्टोरी भेजिए गाइस, अगर इससे किसी का भला हो, अगर एक आदमी का भी इसमें, किसी का एक कैंडिडेट, वो अगर छोड़ने की कोशिश भी करे या छोड़ने की सोच भी सकते, अगर आपकी ये वीडियो देख के जो है उससे प्रेरणा मिले और इंस्पायर्ड होकर वो अपना पढ़ाई जारी रखे, उसके करियर बन जाए, तो इससे बड़ा कुछ नहीं होता है। मेरा मोटिव भी सिर्फ यही है और कुछ नहीं है, सो दैट कोई भी ऐसा ना हो कि उनको कभी वो लगे सिर्फ वही अकेले हैं दुनिया में, बाकी कितने स्ट्रगल होने के बाद ही जो है सक्सेस मिलता है। तो चलिए आज हम लोग बात कर लेते हैं साइंतिका मंडल की। वो बेसिकली वेस्ट बंगाल से हैं, उन्होंने MTS क्लियर किया है, उनका रोल नंबर भी आप देख सकते हैं, उनको अकाउंटेंट जनरल इन डिपार्टमेंट उत्तराखंड, मतलब CAG डिपार्टमेंट मिला है, इंडियन ऑडिटेड अकाउंट्स डिपार्टमेंट। तो उन्होंने ग्रेजुएशन जो है जियोग्राफी ऑनर्स सुरेंद्रनाथ कॉलेज है कलकत्ता में, बहुत ही अच्छा कॉलेज, फेमस कॉलेज है, वहाँ पे उन्होंने अपना ग्रेजुएशन जियोग्राफी में किया है। वो पहले से ही उनका मेन जो मोटिव था, दैट इज़ वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, वो अपना करियर एज ऑप्शन चूज़ करना चाहते थे, ठीक है। 2014 में उन्होंने ग्रेजुएशन देने के बाद उन्होंने WBCS एग्ज़ाम दिया बट सक्सेस नहीं हो पाए। 15 में फिर उन्होंने दिया, प्रीलिम्स क्रैक किए बट मेंस में फिर से उन्होंने जो है क्वालिफाई नहीं। आप सोच रहे हो, मतलब एक ही जो है आपका जो ड्रीम जॉब है, वो 2 साल से आप लगातार उसमें फेल कर रहे हो, ठीक है। उसी ईयर उन्होंने SSC CHSL दिया, Tier 1 क्लियर कर पाए बट Tier 2 नहीं क्लियर हो पाया। फिर उन्होंने जो है उन्होंने LDC एंड DO दोनों के लिए उन्होंने क्लियर कर दिया था। LDC का टाइपिंग एग्ज़ाम हुआ बट टाइपिंग एग्ज़ाम जो है वो क्लियर नहीं कर पाए, बट DO का क्लियर हो पाया, लेकिन 2.75। देखो, यही मैं बोल रहा हूँ ना, कुछ कुछ छोटे छोटे मार्क्स के लिए जो है आप छूट जाता है, उससे मतलब जो आपको मतलब सेटबैक मिलता है ना, बहुत कोई जो है इसको बर्दाश्त नहीं कर पाता है और अल्टीमेटली गिव अप कर देता है। तो मेरा यही कहना है सभी को, गिव अप मत करना। देखो, इन्होंने भी इतना दूर जाने के बाद 2.75 मार्क्स से अगर आप नहीं कर पाते हो, तो बहुत ही ये लगता है, दुख लगता है। फिर 2016 में उन्होंने Tier 1 Tier 2 टाइपिंग CHSL के लिए फिर उन्होंने, फिर देखो, 1 साल वेट करने के बाद, फिर एग्ज़ाम देने के बाद, फिर 3 नंबर से जो है उनका छूट गया, ठीक है। तो उनके लिए बहुत ही डिजास्टर था, वो प्राइवेट जॉब्स देखने लगे, लेकिन फैमिली ने उनको बहुत बहुत सपोर्ट किया और उनको सजेस्ट भी किया, नहीं बेटा जो है आप अपना प्रिपरेशन जारी रखो, हम लोग हैं हमारे। देखो, ये फैमिली जो अल्टीमेटली बैकअप जो होता है ना, ये सबसे बड़ा बैकबोन है हमारे लिए, मतलब आपकी फैमिली, वेल विशर्स, दोस्त, कोई भी, तो ये आपके लिए जो है सबसे बड़ी सपोर्ट होता है। तो इनके लिए भी ये बहुत सपोर्ट किया उनके फैमिली ने, सो दैट आप प्रिपरेशन करो, और उसके बाद उनके पेरेंट्स के ब्लेसिंग्स एंड अल्टीमेटली जो है उनका सिलेक्शन हो चुका है MTS में, अकाउंटेंट जनरल में उत्तराखंड में।
इनके साथ इसके साथ जो है उन्होंने सीजीएल 15-16 दिया था, बट सिर्फ टायर वन ने ही क्लियर कर पाया। आप सोच रहे हो टायर वन उन्होंने का नहीं क्लियर हो पाए क्योंकि उनका एडवांस मैथ अच्छा नहीं था, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना डेली का जो है शेड्यूल बना के 6 घंटा सिर्फ मैथ्स में। देखो यही जुनून होना चाहिए, मैं वीक हूँ जीके में, मैं इंग्लिश में, मैं मैथ्स में, मैं वीक हूँ, वो तो हूँ यार, क्या प्रॉब्लम है, लेकिन वो जुनून अपने में लाओ सो दैट वो वीक भी आपकी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट बन जाए। तो उन्होंने वही किया, 6 घंटा डेली का दिया मैथ्स के लिए, सुबह 5 बजे तक पढ़ती थी, 5 बजे रियली, मतलब बहुत बहुत मेहनत है आपकी सायंतिका जी, तो बहुत ही आपने मेहनत किया, 5 बजे तक उन्होंने पढ़ा मैथ्स के लिए, फिर उन्होंने सीजीएल टायर वन टायर टू दोनों क्लियर किया। अब उनका टायर थ्री है 2017 का और वो डेफिनेटली ये क्लियर ज़रूर कर पाएंगे। आप आपका डिस्क्रिप्टिव बहुत अच्छा जाए, आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो, डेफिनेटली आप जो सीजीएल में बनना चाहते हो डेफिनेटली बन जाओ, आपका ड्रीम जॉब मिल जाए। और उन्होंने देखो केपीएस एंड ग्रुप डी का भी इंटरव्यू कॉल है उनका, और ऑलरेडी एलडीसी स्टेट गवर्नमेंट का एक जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो चुका है। तो मेहनत हमेशा काम लाती है, अगर आप सही से मेहनत करो, आप दिल लगा से मेहनत करो, आप अगर अपने में वो जुनून ला लो, हाँ मैं कर सकता हूँ मैं करूँगा, तो कोई दुनिया में ऐसी ताकत नहीं है जो आपको रोक पाए। तो इसी के साथ जयंतिका जी आपको ऑल विशेस, आप का इन जो भी आपका जो स्टोरी है सभी के लिए इंस्पिरेशन है, इससे बहुत लोग इंस्पायर्ड होंगे, और मेरी तरफ से आपको सभी शुभकामनाएं, आप बहुत सक्सेस मिले आपके लाइफ में, अच्छे रहे, आप जो भी चाहें वो ज़रूर आपको मिलेगा। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस गाइज दिस वीडियो, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, टिल देन गुड बाय।